हेलो एवरीवन, मैं हूं निकिता जैन और आप सबका स्वागत है जैन केक्स में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं रिच डार्क चॉकलेट केक की रेसिपी, जो बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और हम इसे अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे। अब सिफ्ट करने के बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे, 1 कप मैदा को। अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ शुगर, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। नाउ गिव इट अ गुड मिक्स। हमने सब पाउडर्ड आइटम्स डाल लिया है, ड्राई आइटम्स। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। मिल्क हमें 3/4 कप चाहिए, पर हम एक बार में नहीं ऐड करेंगे, हम ग्रेजुअली एज पर द कंसिस्टेंसी हमें जितना नीड होगा हम उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें और भी लिक्विड आइटम्स ऐड करने हैं, तो हम एक थिक बैटर रखेंगे कुछ इस तरह। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ घी, बटर भी ऐड कर सकते हैं, घी का ऑल्टरनेटिव, 4 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। इट गिव्स रिच फ्लेवर टू डार्क चॉकलेट केक। टू टेबल स्पून ऑफ कर्ड, इट बैलेंसेस द स्वीटनेस ऑफ द केक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर ना ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस, एंड एज यू कैन सी हम लोगों का बैटर रेडी है। अब एक पैन में हम ग्रीसिंग एंड डस्टिंग करके रखेंगे और उसमें अपना बैटर ऐड कर देंगे। बैटर डालने के बाद हमें प्री हीटेड अवन में 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे अपने केक को बेक करना है, और आप देख सकते हो ये परफेक्टली बेक्ड केक। इट्स रियली सॉफ्ट एंड फ्लफी। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ मैदा सिफ्ट करना कंपलसरी है, वरना ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा केक में। यू कैन सी इट्स रियली सॉफ्ट एंड फ्लफी। एंजॉय योर डार्क चॉकलेट केक। आप इसमें ना डार्क चॉकलेट सॉस भी ऐड कर सकते हो, इट विल एनहांस इट्स टेस्ट। बाय।